तेज तेजस्वी और लालू यादव के बाद अब लालू यादव की सिरनी बेटी कहे जाने वाली रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाल लिया है। रोहिणी ने जमकर बिहार बीजेपी के नेताओं को सुनाया है, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को जमकर लातारा है। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद से ही बिहार में लगातार बयानबाजी जारी है। जातीय जनगणना के विरोधियों को लालू प्रसाद यादव ने पहले करारा जवाब दिया। लालू यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि कैंसर का इलाज सिरदर्द का दवा खाने से ठीक नहीं होता है। लालू यादव के इस बयान पर उनके विरोधी उखड़ गए और यहां तक बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव राजनीति में कैंसर के जैसे हैं। इसके बाद क्या लालू परिवार पूरी तरीके से टूट पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के बाप तक की बात कह दी, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाला है। सोशल मीडिया के जरिए ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की बखिया उधेड़ दी है। रोहिणी आचार्य अपने विरोधियों पर प्रहार करने के लिए जानी जाती है, समय समय पर अपने विरोधियों को करारा जवाब देती है और शायद ही उनके कोई ऐसे विरोधी नेता हो जो लालू परिवार को टारगेट किए हों और रोहिणी आचार्य से बच गए हों। रोहिणी ने अब सीधे सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को जो बातें रोहिणी आचार्य ने कही है, बिहार में बड़ा सियासी बवाल होना तय माना जा रहा है। पहले आपको लिए चलते हैं रोहिणी आचार्य के ट्विटर हैंडल पर और देखिए पहला ट्वीट। रोहिणी आचार्य आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट को साझा करती है, जिस ट्वीट में लिखा गया है, नेता नहीं या बेटा है, बिहार की रोजगार क्रांति का प्रनेता है, तेजस्वी बन रहा है बिहार, मिल रही अब नौकरी और रोजगार। एक तस्वीर साझा की गई है। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा, युवाओं का चहेता है बिहार का जो बेटा है। और आगे रोहिणी आचार्य क्या लिखती हैं जरा वो देखिए। रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि कुत्ते की दुम को सालों भी सीधी नली में रखो तब भी टेढ़ी ही रहती है। यही कहावत इस व्याकुल और संस्कारहीन इंसान पर सटीक बैठती है। व्याकुलता और दुस्साहस तो देखिए इसका, जिन्होंने इस नमक हराम को सामाजिक और राजनीतिक पहचान दिया, आज उन्हीं का नाम बदनाम कर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने का गंदा और घिनौना खेल खेल रहा। ये मुरेठा नहीं गले में पट्टा बांधकर गोधरा के नरभक्षियों के इशारे पर बिहार की राजनीति को कलंकित कर रहा है। रोहिणी आचार्य आगे लिखती हैं, अनैतिक पृष्ठभूमि वाले ही नैतिकता की झूठी सेखी ज़्यादा बघारते हैं। मुरेठा बांध लेने से कोई झूठा लबार बेदाग नहीं हो जाता और ना ही उसकी पृष्ठभूमि बेदाग व साफ हो जाती है। जो उसके बाप को भारतीय सेना का लड़ाकू पूर्व सैनिक बताता है वो झूठ बोल रहा है। उसके बाप के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वो सेना का भगोड़ा था। भागने के पश्चात कोर्ट मार्शल से बचने के लिए उसने अपनी पहचान छुपाई थी और कागजी तौर पर अपना असली अस्तित्व ही मिटा दिया था। रोहिणी आचार्य इतना ही पर नहीं रुकती। रोहिणी आचार्य आगे लिखती हैं, जो इंसान खुद अपनी जमीर की नीलामी की बोली लगाकर बहुजन समाज के हितों पे कुठाराघात करने वाली पार्टी का चरण पादुका बना हुआ हो, वो फिर भला कैसे लौकुश समाज के हितों का शुभचिंतक हो सकता है। गरीब वंचित पिछड़े शोषित समाज को बहुजन के भेष में छिपे इन जैसे मनुवादियों लोगों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि सत्ता के भूखे भेड़िए हैं जो ईमान को कब तक नीलाम करते रहते हैं जब तक इनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है। रोहिणी आचार्य आगे फिर लिखती हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहती हैं कि ये तो शर्म से डूब मरने वाली बात है। जिसके पिता पारस बिघा नरसंहार में कांग्रेस नेता सच्चिदानंद सिंह और उनके साथ 6 लोगों के निर्मम हत्या का मुख्य आरोपी रहा हो, उसी का नालायक बेटा आए दिन मीडिया में मुरेठा बांध सेखी बघाड़ते हुए लालू जी और उनके स्वर्णिम शासनकाल को बदनाम करने की नीयत से मीडिया में अनाप शनाप बयानबाजी करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाह रहा है। मगर उसे ज्ञात होनी चाहिए लालू जी उस महान शख्स का नाम है जिन्होंने सदियों से वंचित गरीब शोषित लोगों का अपना हक और अधिकार दिलाकर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित किया है। रोहिणी आगे लिखती हैं फिर सम्राट चौधरी को निशाने पर लेकर, और हाँ ये भी ध्यान रखना कि फिलिस्तीन और इजराइल की तुलना करके लालू जी और बिहार को बदनाम ना करना, क्योंकि बिहार बुद्ध की भूमि रही है ना कि युद्ध की। आज जो मणिपुर झेल रहा है वह गोधरा के नरभक्षियों के दौर में गुजरात झेल चुका है। बात समझ में आई नरभक्षी के चेले।
लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार अपने विरोधी सम्राट चौधरी को ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हुए करारा जवाब दे रही हैं। रोहिणी आचार्य का ट्वीट बता रहा है कि लगातार जिस तरीके से सम्राट चौधरी के खिलाफ रोहिणी ने मोर्चा खोला है वो पूरी तरीके से नाराज हैं, खफा हैं और इतनी जल्द शांत होने वाली नहीं है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।